Give it up for Mr. Ari and Sabrisho. He's the president of this Grill Studies. National awards as a best actress, Miss, and amazing best actress performance in the movie Tara. So give it up, guys, for the upcoming superstar, the true superstar. And Mr. Adish Mishra, thank you. Ladies and gentlemen, put your hands together for Shalini Singh and Mr. Art Khanna, the upcoming superstar. Whoa! The heroine of Bhagat Pradhya Pune, and she has lots of upcoming projects. And I request Shalini Singh, can you please come on the stage? और कहां तक बढ़ाने की आपकी सोच है? कोल्हापुर एक
टूरिज्म भी एक ऐसा क्षेत्र है क्योंकि तो अगर टूरिज्म ना हो आज हमारे फिल्म जगत की जितने भी सेलिब्रिटीज हैं जितने भी कलाकार हैं टूरिज्म के माध्यम से ही बहुत सारे सिटीज बहुत सारे शहर बहुत सारे देशों में जाते हैं और हम कभी भी इस टूरिज्म के हिस्सों को जाने अनजाने में इग्नोर कर जाते हैं। तो हम इस क्षेत्र को भी जो क्षेत्र फिल्म इंडस्ट्री में जरा सा भी सपोर्ट करता है आगे बढ़ने में तो जाहिर सी बात है उस शख्स को उस इंसान को इस अवार्ड से सम्मानित करना चाहिए इस पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए। इस तरह हम केवल सिर्फ टूरिज्म में ही नहीं बिजनेस के हर एक क्षेत्र में भी हम इसको लेकर जाना चाहेंगे क्योंकि हर आदमी सिनेमा देखता है तो हर आदमी दादा साहब फाल्के से रिलेट करता है उनको समझता है और उनकी बनाई हुई ईजाद हुई चीज़ों पर एंटरटेन करता है। इतनी बड़ी दुनिया है। ऐसा लगता है कि मैंने जो काम किया फिल्म इंडस्ट्री में उसका ये मतलब एक सेटिस्फैक्शन कहिए कि जो इंडस्ट्री के मतलब पितामह विश्व पितामह वो बहुत अच्छा लगा और मैं शमी भाई का और जितने भी लोग इसमें इस संस्था से जुड़े हुए जिन्होंने डिसाइड किया कि मुझे अवार्ड दिया जाए मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ। चूँकि रमज़ान के महीने चल रहे हैं और पौने नौ बजे से नमाज तरावी होते प्राण पढ़ते हैं रोज़ा इफ्तार करके आए बस उन सबका शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे ये अवार्ड दिया। देखिए मैंने बताया कि ये बड़ा प्यारा अवार्ड दिया मुझे बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर यानी ये कि अब तक जितना भी हमने काम किया मुझे लगता है कि आज ये अवार्ड दे के मुझे वाकई में ऐसे फील हो रहा है कि हमने जितना भी काम किया जैसा भी किया लोगों को पसंद आया उसकी वजह से आज ये हमें मिला। थैंक यू। वर्ड्स में आप बयान करना चाहेंगे दादा साहब फाल्के अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया और अवार्ड आपके हाथ में है। के अवार्ड से मुझे जो सम्मानित किया है ये ऑलरेडी इतना बड़ा सम्मान है कि आई विल रन आउट ऑफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई एम फीलिंग और मुझे बहुत खुशी है कि अवार्ड मुझे मिला और ऑर्गेनाइजर्स स्पॉन्सर्स ने जो इतना खूबसूरत अवार्ड फंक्शंस ऑर्गेनाइज किया है इट्स ट्रिमेंडस इट्स रियली रियली नाइस एंड ऑनरिंग एंड अवार्डिंग द पीपल in the film industry, especially I'm getting this award for my movie Tara, which was also the Oscar entry, and I'm very, very happy and proud. Thank you. आनंदमय भी हो गई है थोड़ा चैलेंजिंग भी हो गई है जिम्मेदारी भी आ गई है लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस पूरे ग्रुप का यात्रा ग्रुप का जिन्होंने मुझे अवार्ड दिया इस लायक समझा मैं इस लायक तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि आपके प्यार में आपकी हिम्मत से आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा ताकि अच्छा काम कर सकूँ। उपलब्धि है कंपनी की उन्होंने अवार्ड फंक्शन आयोजन किया हमको बहुत बहुत बधाई दे।
उसको अपने आप में हाथ में लेते हुए एक मन में बहुत उमंग है आगे भविष्य को लेते हुए, बिकॉज आई हैव गॉट इट फॉर अपकमिंग मूवी स्टार. सो आगे आने वाला भविष्य कैसा होगा और क्या उसमें जर्नी रहेगी मेरी, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपका कहने के. सींचे हुए पेड़ को उस जो उन्होंने ये हमारे लिए एक नींव बना के गए हैं उसको आगे बढ़ाना है उसी सच्चाई से, कि उसी सच्चाई से इसलिए क्योंकि जिस जमाने में दादा साहब फाल्के ने फिल्म लाइन शुरू की थी उस जमाने में इतनी टेक्निकल मतलब एडवांस नहीं था, उसके बावजूद भी दोनों पति पत्नी ने तो उनके सहयोगियों ने मिलकर इंडस्ट्री को एक नया जन्म दिया. साइलेंट फिल्म से शुरू होकर आज बोलती हुई फिल्में आ गई, हम जैसे कलाकारों को यानी संगीतकारों को उसमें एक अलग से मुकाम मिला, तो ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए. मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे बच्चे, यानी मेरे तो बच्चे इसलिए कहूँगा क्योंकि नए कलाकार हमारे बच्चों की तरह ही है, क्योंकि हम उनको बच्चों की नज़र से ही देखते हैं कि भाई कल आज हम जिस मुकाम पर हैं कल वो हमारे मुकाम पर आएंगे, और ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु माता रानी भोलेनाथ उनको आगे सक्सेस करें. बस ईमानदारी से काम करें और दादा साहब अपने परिवार के साथ साथ दादा साहब फाल्के का भी नाम करें. दिलीप जी आज डबल खुशियां हैं, एक तरफ आपको अवार्ड भी मिल रहा है और 20 साल के बाद आपकी जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन 20 साल के बाद आज पहला सॉन्ग रिकॉर्डिंग किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर? ये बड़ा अच्छा सवाल है. अरे भाई चाचा भतीजे भी हाँ ये कह सकते हैं कि आज मैं अलका याग्निक जी की रिकॉर्डिंग से ही आ रहा हूँ अभी, और एक नई फिल्म के गानों की हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे मैं और समीर जी, तो जाहिर सी बात है चाचा भतीजे आज आज टुगेदर मतलब हम लोग साथ में थे और अच्छा तो लगता ही क्योंकि काफ़ी दिनों बाद एक ही जगह पे मॉनिटर रूम में दोनों चाचा भतीजे साथ में बैठे, जब जैसे हम सहारा में बैठते थे, महबूब में बैठते थे, सनी में बैठते थे, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे. और आई होप कि आगे भी ईश्वर ने चाहा आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो हम फिर ये जोड़ी आपको कुछ ना कुछ धमाल करके बताएगी. थैंक यू. मैं प्रे करूंगी माता रानी जी की इनका अवार्ड फंक्शन काफी सक्सेस हो और इन्हें और तरक्की मिले और सक्सेस मिले. बिल्कुल. मेरा नाम तो बोल दीजिए. दिलीप सेन तुम्हारे साथ खड़ा है. दिलीप सेन जी हैं, इनको भी ढेर सारी मेरी तरफ से शुभकामनाएं. मेरी तरफ से इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. जैसे आपने कहा ना, पूछा ना मुझसे कि नए कलाकार, यानी ये हमारे कल के उभरते हुए सुपरस्टार लोग हैं और हम इनको तहे दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं. और हकीकत में मैं शमीम भाई को बहुत क्रेडिट देता हूँ कि ये हर वक्त कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं.
अभी इनका एक अवार्ड इन्होंने बहुत प्यारा मुझे दिलवाया, मतलब जीने तमान के हाथ से, टाइफा अवार्ड। मगर उस अवार्ड का तो क्या कहना, मतलब मेरे ख्याल से पहला एक ऐसा अवार्ड आपने बनाया है कि जो लोग लुत्फ हैं या एथलीट जिनको लोग जानते नहीं है उनको प्लेटफॉर्म पे लाके इन्होंने टाइफा के नाम से दिया और आज ये दादा साहब फाल्के के साथ भी जुड़े हैं। तो आई होप कि इनके अवार्ड जितने भी हों सब सक्सेस हों और सभी को प्यार और आशीर्वाद मिले। थैंक यू। देखिए कोई भी डायरेक्टर सबसे पहले रोल कैमरा एक्शन सीखना मेरे ख्याल से दादा साहब से सीखा है। अगर उसने उनकी हिस्ट्री पढ़ी है, उनके बारे में डिटेलिंग में पढ़ा है, स्टडी किया है। मैंने जिस चीज़ के लिए मुझे इस मंच पे अवार्ड मिल रहा है, मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है अनफिट, वो बेसिकली किन्नर के ऊपर है, रियल स्टोरी है किन्नर की। तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है इस चीज़ का कि शमीम भाई और उनकी इंटायर टीम इस चीज़ के लिए इनिशिएटिव ले रही है कि वो नए टैलेंट। मैं तो ऑलरेडी काफ़ी काम कर चुका हूँ लेकिन अनफिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समाज के लिए एकदम नया है और इस अवार्ड सेरेमनी के अंदर उसको अवार्ड मिलना, यानी कि ये दो तरीके से किन्नर समाज को भी एक एक नए अपकमिंग डायरेक्टर्स आर्टिस्ट सब लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। थैंक यू सो मच। आज आपको इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है दादा साहब यात्रा अवार्ड से, कितनी खुशी है और जब इस अवार्ड से आपको मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मैं इस जगह पे इस मंच पे खड़ा हूँ आप लोगों के बीच में। दादा साहब फाल्के जैसे कि दिलीप भाई ने बताया कि हमारी इंडस्ट्री के विषम पितामह हैं। उनकी फर्स्ट फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र जो कि एक साइलेंट फिल्म थी और वो खुद एक बहुत बड़े स्क्रीन प्ले राइटर थे, डायरेक्टर थे, इतनी बड़ी शख्सियत थे कि उनके लिए मेरा कुछ भी बोलना बहुत छोटा, मतलब मैं उनके सामने बहुत छोटा हूँ। और आज मैं एक टाइम था कि मैं भी इसी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था लेकिन आज मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हूँ। सो हमारी इंडस्ट्री के पितामह थे, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। थैंक यू। बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा बता नहीं सकती मैं कितनी हैप्पी हूँ। अवार्ड्स क्या लगता है, अवार्ड लोगों के लिए कितना अहमियत रखता है? बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो जब अपना कला दिखाते हैं अभी को तो उनको जब तक अवार्ड नहीं मिलता उनको पता नहीं चलता कि हमने किया क्या है। अवार्ड का तो मैं ही आपको बताऊंगा कि ये एक बहाना है हम लोगों को मिलने का और इस बहाने आप लोग भी मिल लेते हैं क्योंकि अभी तो इनको बहुत आगे बढ़ना है। अवार्ड दे के इनको ये हम बताते हैं कि भाई इसके असली हकदार आप जब होंगे, जब इससे भी बड़ा अवार्ड आपको और मिले। मगर आज इनकी शुरुआत है और आई होप कि ये इससे बाहर काफी खुश हैं। आप इनसे पूछे बहुत बढ़ रहे हैं, जैसे अमिताभ बच्चन है वहाँ से हमारे हैं इलाहाबाद से। तो मैं यही कहूँगी कि छोटे शहर को नहीं माने, बहुत से लोग अभी जैसे ऑडिशन होते हैं तो इलाहाबाद में नहीं होते हैं, मुंबई होते हैं, कोलकाता होते हैं, दिल्ली होते हैं, बट अभी भी उसे छोटा ही शहर कहते हैं। बट ये कि मैं कहूँगी कि वहाँ भी सारी चीज़ें हों। आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी हेयर, थैंक यू सो मच फॉर ऑनरिंग मी विद दिस अवार्ड एंड कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू टू द स्पॉन्सर्स।